क्वेश्चन 33 पेज नंबर 755। अच्छा जी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमने IFRS 9 में तो आपको बताया पढ़ ली थी, लेकिन फाइनल अकाउंट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं पढ़ी थी। अगर एक कंपनी है उसने शेयर इशू किए तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लॉयर को फीस दी, अगर शेयर प्रीमियम अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है तो शेयर प्रीमियम डेबिट कैश क्रेडिट, लॉयर को जो पैसे देने एक्सपेंसिस में नहीं डालने, और अगर शेयर प्रीमियम अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करा तो रिटेन्ड अर्निंग डेबिट कैश क्रेडिट। अब ये पूछेंगे ये क्या बात हो रही है, कहाँ से बात हो रही है, वो एक लेक्चर नोट्स जिसमें रंगीन सी तस्वीर दिखाई थी वो लेक्चर नोट्स IFRS 9 के साथ थे। ज़रा इधर IFRS 9 ढूंढिएगा, उसके साथ पड़े होंगे लेक्चर नोट्स। IFRS 9 किधर है? अच्छा, इसमें वो नोट्स किधर हैं? वो तो ठीक है, इसमें साथ वो लेक्चर था एक हमारा, पता नहीं कौन सा 100 कौन सा नंबर था उसका, जिसमें एक डायग्राम भी आपको दी थी। चलिए यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं IFRS 9। कौन सा था ये? यार ये मैं कह रहा था, तो शेयर खरीदे तो IFRS 9 में हमने पढ़ा था, डिबेंचर खरीदे IFRS 9 में पढ़ा था, डिबेंचर इशू किया IFRS 9 में पढ़ा था, शेयर इशू किए मैंने कहा था फाइनल अकाउंट में पढ़ेंगे। इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट की आज मैं डिस्कशन कर रहा हूं। अगर आपने शेयर भी इशू किए और लॉयर को भी पैसे दिए, तो अगर शेयर प्रीमियम अकाउंट पड़ा है तो शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट कैश पेड टू लॉयर क्रेडिट, और अगर शेयर प्रीमियम अकाउंट नहीं पड़ा रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट डेबिट क्या एक्सपेंसेस में डालना है या इसको इक्विटी से नेट करना है? इक्विटी से नेट करना है। किधर है लेक्चर नोट्स Volume 2? वो ढूंढे रेवेन्यूज किधर है? चलें जी, इसमें नोट कर लें, फाइनल अकाउंट में शेयर इशू करने की एंट्री, उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट लॉयर फीस वगैरह। छोटी सी बात आपकी गैर मौजूदगी में की है, इधर जरा देखो, अगर आप कंपनी ने शेयर इशू किए हैं और शेयर प्रीमियम अकाउंट मौजूद है और लॉयर को पैसे दे दिए हैं तो शेयर प्रीमियम डेबिट कैश क्रेडिट, और अगर शेयर प्रीमियम अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता तो रिटेन्ड अर्निंग डेबिट कैश क्रेडिट। फाइनल अकाउंट के कॉन्टेक्स्ट में, फाइनल अकाउंट के सवाल में अगर लॉयर फीस आ जाए शेयर इशू करने पे, भाई आप भी देख लो, ये लोग जितने नोट करें, इधर देखो, अगर कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट वाली एंट्री की है और कंपनी की किताबों में शेयर प्रीमियम पड़ा है, तो लॉयर फीस की एंट्री कर दें शेयर प्रीमियम डेबिट कैश क्रेडिट एक्सपेंसेस में ना डालें, और अगर शेयर प्रीमियम अकाउंट किताबों में नहीं पड़ा तो लॉयर फीस की एंट्री कर दें रिटेन्ड अर्निंग डेबिट कैश क्रेडिट।
ओके चलें जी, लेट स्टार्ट। ऑन 1 जनवरी 2001 अजी पांका लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग कैपिटल रिजर्व्स। ये ओपनिंग बैलेंसेस हो गए, शेयर कैपिटल का, शेयर प्रीमियम का और रिटेन्ड अर्निंग। ड्यूरिंग 2001 फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। इस साल ये ट्रांजेक्शन हुई हैं, एन इशू ऑफ 1,08% ₹1 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये बता दें फाइनेंशियल लाइबिलिटी है या फाइनेंशियल एसेट है? ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी नहीं है, ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। तो लेक्चर 1, 2, 3 नहीं 4, 5 बल्कि 4 अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखेंगे बाय डिफॉल्ट। एन इशू ऑफ 1,08% 1 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रुक जाएं और इनकी फेस वैल्यू बताएं। कितने शेयर दें यार? 1,00,000 फेस वैल्यू ₹1,00,000। ओ ये रुपीज है, एन इशू ऑफ रुपीज। अच्छा ठीक है, फिर तो फेस वैल्यू यही है बस। नहीं नहीं फिर क्वांटिटी क्यों निकालनी है, बस खत्म। फेस वैल्यू इज ₹1,00,000, एन इशू ऑफ ₹1,00,000। और नंबर ऑफ शेयर्स अगर निकालने हो तो 1,00,000 / 1, तो एन इशू ऑफ ₹1,00,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं फिर बता दें? 1,00,000। 8% कौन सा रेट होता है जो साथ ही लिखा होता है, कूपन या इफेक्टिव? कूपन रेट। आगे बढ़े जी, एट अ प्रीमियम ऑफ 60% इशू प्राइस या परचेज प्राइस? परचेज प्राइस नहीं, परचेज प्राइस नहीं, इशूड वाले हैं परचेज्ड वाले हैं? इशू इशू प्राइस ऊपर लिख रहे ना, लोन लिया है, लोन लिया है, इशूड या परचेज डिबेंचर्स? इशूड। तो सवाल बिल्कुल आसान सा है, इशू प्राइस 1,00,000 जमा 60% ऑफ 1,00,000 160,000। इशू कॉस्ट 232,237 ट्रेड ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो जाएगी, ये इशू में से माइनस होगी, माइनस होगी क्योंकि ये लोन लिया वाला सिनेरियो है। रिडेम्पशन 800% प्रीमियम 31 दिसंबर 5, 31 दिसंबर 5 तक हमने जाना ही नहीं, इस लाइन को काट दें, 31 दिसंबर 5 तक हमने जाना ही नहीं, हमारा सवाल ही सिर्फ किसका है। रिडेम्पशन प्राइस आपको पता है डालते होते हैं सबसे आखिरी वाले साल में, जैसे GRV UGRV डालनी नहीं होती है अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल में, अगर पहला साल हो कैलकुलेट में लेते हैं लेकिन वैसे नहीं डालते। द इफेक्टिव रेट इज 9.5%। स्टार्टिंग पॉइंट किसी को याद हो कहां से शुरू करते थे? डेट नहीं, परचेज का लॉस नहीं बोलना है, इशू का लॉस बोलना है। इफेक्टिव कितना? 9.8% ऑन यार 1,00,000 रहने दो, अब वो टाइम नहीं होगा मेरे पास, 100 कर लो सिर्फ, ये इसको काट दो 100। शुरू कैसे होता है? इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अच्छा जो कोई थोड़ा बहुत आपको इशू आ रहा है ना चीजें समझने में, उसकी वजह सुन लें। इशू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो ना इस सफ़े के पड़े ना होने की वजह से मसला आ रहा है। इशूड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये सफ़ा बड़ा अच्छा है, इसके ज़रा ये वाले अल्फाज ना बार बार पढ़ें ताकि आप कंफर्टेबल फील करें। इशूड रिडीमेबल, या हमारे पास मॉडल है अमोर्टाइज कॉस्ट या FVTP है, लेकिन इधर बाय डिफॉल्ट मॉडल अमोर्टाइज कॉस्ट है। ठीक है, तो इस पेज को इंशाल्लाह पढ़ें, लेक्चर 4 और 5। चलें यहाँ रुक जाएं, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम बैलेंस शीट वो मैं बना दूंगा, प्रिपेयर रिलेवेंट अकाउंटिंग एंट्रीज, यहाँ तक मुझे अकाउंटिंग एंट्रीज करवा दें। इशू प्राइस बताएं जी, 1,60,000, ट्रांजैक्शन कॉस्ट
2.2 करते हैं, कोई मसला ही नहीं जी। 150, थोड़ा सा भरम रख लिया मैंने पॉइंट का, वरना मैं तो 2 लिखने लगा था, आप लोगों की वजह से 2.2 मैंने लिखा है, थोड़ा सा भरम रख लिया। खैर है, खैर है, जाने दो। 2.2 जी, डेट बताएं। यकम जनवरी 2001। आप 31/12/1 को खड़े होकर इस पर लगाएं 9:30, आठ, 164.8। चलें जी, एक बार नजर मार लें। इशू ऑफ 1 लाख रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इतना टुकड़े टुकड़े करके पढ़ें। इशू ऑफ रुपीज 1 लाख रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, फेस वैल्यू एट अ प्रीमियम ऑफ, इशू प्राइस 160, ट्रांजेक्शन कॉस्ट 2.2, यहां माइनस करनी होती है और ऑनवर्ड्स। रिक्वायरमेंट बी एंट्रीज, यकम जनवरी 1, कैश डेबिट फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट 1.5, 31/12/1 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, दोनों चीजें सही हैं। वैसे अच्छा लफ्ज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट 31/12/1 फाइनेंशियल लाइबिलिटी डेबिट। नोट ना करें, बस समझने में फोकस करें, 10-12 मिनट में खत्म करें। ओके, 31 मार्च, इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, इसकी एंट्री किसी को आती हो? इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, बड़ा कमाल सफ़ा है ये, इशू ऑफ कैश डेबिट, ये फाइनल अकाउंट की बातें हैं, ये IFRS 9 की नहीं है। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम, इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 3 लाख, ये क्वांटिटी है, 3 लाख के साथ रुपीज नहीं लिखा हो ना, 3 लाख एट अ प्राइस ऑफ 1 पॉइंट, इशू कॉस्ट इज 20,000। ये वो इस 20,000 की वजह से मैंने आपको वो डायग्राम बनाई थी सवाल शुरू करने से पहले। फिलहाल 1.3 की एंट्री करें। तारीख बताएं, 31 मार्च 2001। अभी एंट्री मैंने आपको दिखाई थी वो बड़े वाले सफे पे, कैश डेबिट शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। चलें जी, 1.3 मेरे ख्याल फेस वैल्यू फिर 1 होगी, फेस वैल्यू 1 है। पहले क्वांटिटी 300,000, नहीं 300,000 लिखे, 300,000 है ना? हाँ, वो मुझे पता है यार। देखो क्वांटिटी इसको फिर ना किया करो, जरा मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, इसको 300,000 ये भी लिखें, और जिंदा इन जब कैलकुलेटर पे जवाब आएगा उससे मैं इंशाल्लाह कन्वर्ट कर लूँगा। इंटू 1.3 इंटू 1 इंटू 0.3 390। ये तो फाइनल अकाउंट वाली एंट्री है, आगे पढ़ें जी, क्या लिखा हूँ? इशू कॉस्ट पर 20,000, इशू कॉस्ट पर 20,000। शेयर प्रीमियम अकाउंट एग्जिस्ट करें, वैसे ये ना भी होता ना 90, तो ब्रॉड डाउन भी पड़ा हुआ था। हमारा तो ब्रॉड डाउन भी पड़ा हुआ था 2 लाख, ये ना भी होता तो बीडी भी पड़ा हुआ था 2 लाख। ये बीडी देखें, बीडीज हैं, पहले भी कोई प्रीमियम आया होगा ना, पहले पहले कभी जब शेयर इशू किए होंगे तो हमारे पास ऑलरेडी प्रीमियम 2 लाख भी पड़े और ये भी 90 नया आ गया, हमारे पास ऑलरेडी काफी प्रीमियम है। तो अब ट्रांजेक्शन कॉस्ट की एंट्री क्या करूं? 31 मार्च 2001, शेयर प्रीमियम डेबिट, शायद ये लॉयर फीस वगैरह कोई चीज हो, कितना? 20,000 है, हैवी फीस है। ठीक है जी,
यार इसको ना ये बोनस इशू नहीं होता, ये बोनस डिविडेंड होता है भाइयों, ये बोनस डिविडेंड होता है। और ये 1/4 नहीं होता, ये होता है 25%। 25% डिविडेंड बांटा है हमने, 25% डिविडेंड बांटा है हमने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को 30 जून को। पहला सवाल मेरा, डिविडेंड परसेंटेज में गिवन है या 1/4 मैंने किसमें कन्वर्ट कर लिया? अगर मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि डिविडेंड को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, तो शेयर कैपिटल रुपीज वाला उठा लें। क्या शेयर कैपिटल में रकम जनवरी वाला क्या शेयर कैपिटल में ब्रॉड डाउन उठाऊं, या मैंने यकम जनवरी के बाद 31 मार्च को नए शेयर होल्डर भी बना लिए हैं? ये डिविडेंड में ऐसे नहीं होता कौन पुराना शेयर होल्डर है कौन नया शेयर होल्डर है, जब आके बैठे हैं तो सारे ही शेयर होल्डर हैं हमारे, तो ये पुराने शेयर होल्डर्स हैं, ये न्यू शेयर होल्डर हमारे बने हैं, सबको डिविडेंड देने हैं, तो किस शेयर कैपिटल पे परसेंटेज लगाएं? 1000 और 31 मार्च वाला ऐड करना पड़ेगा, 1000 वो वाला और जमा 300। चलें जी, ये एंट्री जरा मैं इधर कर रहा हूँ खुली खुली। डेट बताएं, 30 जून 2001। अच्छा जी, पहले तो इसकी फिगर निकाल लेते हैं ना, शेयर कैपिटल इन रुपीस मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज। व्हाट इज शेयर कैपिटल इन रुपीस? 1300। 1300 कैसे आया? 1000 ब्रॉड डाउन शेयर कैपिटल पुराने शेयर होल्डर और 300 वाले नए शेयर होल्डर इंटू डिविडेंड परसेंटेज इज इक्वल टू ₹325 का डिविडेंड की मैंने एंट्री करनी है। इसकी एंट्री किसी को याद हो? रिटेन्ड अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, लिखें जी एंट्री, काली पट्टी मैं बाद में समझाऊंगा। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। डिविडेंड की परसेंटेज किस पे लगती है? शेयर कैपिटल के रुपीस पे, और वही मैंने लगाई है, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। जी मोहतरम, ऑन 30 जून 1/4 बोनस शेयर्स वर इशूड बाय फर्स्ट यूजिंग द शेयर प्रीमियम अकाउंट। यार ये ना पाकिस्तान में तो इतना हो जाता है, वैसे अलाउड है कंपनी लॉ में भी, कि आप जो बोनस शेयर इशू करते हैं ना वो शेयर प्रीमियम में से भी कर सकते हैं और रिटेन्ड अर्निंग्स में से भी कर सकते हैं। अच्छा एक बात याद रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं होता कि शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नहीं करना, इसका मतलब होता है यूज शेयर प्रीमियम इंस्टेड ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ये बात लिख लेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी आपकी, शेयर प्रीमियम को डेबिट कर दें इंस्टेड ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। क्या यूज कर लूं डिविडेंड बांटने में? शेयर प्रीमियम अकाउंट यूज कर लूं, रिटेन्ड अर्निंग को लिफ्ट ना कराऊं। अच्छा मेरे ख्याल से अब कुछ ऐसे बनेगा, क्योंकि ना उसने एक हिंट दिया है फर्स्ट यूजिंग प्रीमियम, कि पहले मैं कोशिश करूंगा ये करने की प्रीमियम डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, लेकिन अगर ना हो सका तो फिर मैं रिटेन्ड अर्निंग को भी यूज कर लूंगा। पहले जरा मुझे अमाउंट बता दें, अमाउंट बता दें कितनी है? 325। लड़ाई किस पे है? या मैं रिटेन्ड अर्निंग डेबिट करूं, या मैं शेयर प्रीमियम डेबिट करूं, या मैं शेयर प्रीमियम खत्म कर दूं और फिर भी ना पूरा हो तो मैं अर्निंग डेबिट करूं। तो लड़ाई है या ये डेबिट करूं या ये डेबिट करूं या दोनों डेबिट करूं, लड़ाई ये है। इस लड़ाई में शेयर कैपिटल को तंग ना करें, इस लड़ाई में शेयर कैपिटल को तंग ना करें, शेयर इशू कर दें, शेयर इशू कर दें, ये कर लें पहले, तो शेयर इशू कर दें, इस लड़ाई में शेयर कैपिटल को डिस्टर्ब ना करें। आप बता दें जी शेयर्स
कैपिटल में कितना चला गया? 325। ये निकालने का तरीका हमने पुराना सीखा हुआ, बहुत पुराना। अब शेयर प्रीमियम में जरा चेक करना पड़ेगा बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। एक वर्किंग ये हो गई, वर्किंग नंबर टू, वर्किंग नंबर वन वो थी, वर्किंग नंबर थ्री, बैलेंस इन शेयर प्रीमियम। कोशिश करते हैं शेयर प्रीमियम से ही हमारा डिविडेंड सारा बांटा जाए। प्लस 200, बाकी सॉल्यूशन में आना पड़ेगा, प्लस 300 माइनस, अच्छा प्लस 200 प्लस 90 माइनस 20, प्लस 200 ब्रॉड डाउन है, प्लस माइनस 20 इज इक्वल टू 200। ये मेरा बैलेंस है अकाउंट में किस दिन? 30 जून को। फर्स्ट यूज शेयर प्रीमियम, फर्स्ट यूज शेयर प्रीमियम, बाकी बचा कुचा वो जो आपको पता है जो डिविडेंड मारने की एंट्री होती है कितना? 55। चलो यार मेरे जाने के बाद नोट कर लेना, मुझे रिक्वायरमेंट पढ़ा लेने दो। बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है, मैं इधर ही बना देता हूँ, मैं इधर ही बना देता हूँ। इधर देखें सारे, ये क्या है? 1000। ये क्या है? शेयर प्रीमियम। ये क्या है? और एक और नया फाइनेंशियल लाइबिलिटी। मैं बैलेंस शीट के ये बीडीज हैं, ये बीडीज हैं, मैं बैलेंस शीट इधर ही फारिग कर देता हूँ, आप तस्वीर खींच लीजिएगा। सारे इधर देखें, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, या फिर ये बैलेंस भी आप उठा सकते हैं 164.8। मैं भी टाइम ज़ाया नहीं कर रहा, डायरेक्ट यही बैलेंस उठा लेता हूँ। ठहर जो जो मैं कर रहा हूँ वो समझो, 164.8। ये मेरे किस दिन के बैलेंसेज हैं? 1 जनवरी 2001 के। मैंने बैलेंस शीट में कौन से लेके जाने हैं? 31/12/1 के। तो अब आप मुझे बता दें फाइनेंशियल लाइबिलिटी का कैरी डाउन ही डायरेक्ट उठवा दें 4.8। शेयर कैपिटल ओपनिंग बैलेंस 1000, प्लस 300, प्लस 325। प्लस 300, प्लस 325, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। शेयर प्रीमियम 200 ओपनिंग है, नहीं नहीं खत्म ना करो ना यार, एंट्रीज करवाओ। प्लस 90 माइनस 20 माइनस 270। रेक्टिफाइंग एंट्रीज पोस्ट कराऊं या ओरिजिनल? ओरिजिनल ब्रॉड डाउन बैलेंस में बोले। प्लस 90 माइनस रिटेन अर्निंग, खर्चा एक आ रहा है और ये कोई डेबिट पड़ा रिटेन अर्निंग में, डिविडेंड बांटा है। खर्चा क्या करूं? माइनस 15, और अर्निंग कम करनी है डिविडेंड बांट के, माइनस 50। प्रॉफिट भी है, पैट भी पड़ा हुआ नीचे, गुड यार एक्सेलेंट, नीचे पैट भी पड़ा हुआ इस साल का 508.5। इस साल का पैट डाल दें 508.5। ये सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट थी, मैं येलो मार्कर से चलाऊं ब्रॉड डाउन से और स्काई ब्लू मार्कर कैरी डाउन पे पहुंच गया। ओवर, एक मिनट इधर ही रखो, पहले तस्वीर खींचने दो उधर, अब उधर रखो भाई व्हाइट बोर्ड की, जिसने तस्वीर खींचनी है हाइब्रिड में खींच ले,
वरना इधर आके भी नोट कर सकते हैं। अब इधर ले आओ और रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।